हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज देखिए हम कान्हा जी की ड्रेस बनाएंगे। ये मैंने गोल्डन बेस पर ड्रेस बनाई है। कपड़ा गोल्डन है इसका, तो गोल्डन ही बन गए। इसके तार वगैरह मैंने गोल्डन लगाए हैं। तो गाइस ऐसे ही सेम हम सिल्वर कलर में बनाएंगे वाइट। तो इसके लिए पहले हम ये पेस्ट वाली बुकरम, जितना बड़ा हमने घेरा रखना है वो ऐसे ही मैंने प्लेट ले लिए और इसको निशान लगाते हुए काट लेंगे। इसके एक साइड पेस्ट है गाइज, तो इस पेस्ट को हम प्रेस से चिपकाएंगे। देखिए पेस्ट वाली साइड को हम कपड़े की तरफ कर लेंगे, जैसे पहले ड्रेस थी। इतनी बड़ी ड्रेस मैं बना रही हूँ, पेस्ट को मैंने कपड़े की साइड कर लिया है। और उसके बाद ये देखिए प्रेस से चिपका लेंगे। प्रेस को हमें बुकरम की साइड प्रेस करनी है। अगर कपड़े की साइड करोगे तो कपड़ा जल जाएगा, क्योंकि मैंने वो भी करके देख लिया था तो कपड़ा जल गया था। एक्स्ट्रा कपड़ा काट देते हैं गाइस। अब ये देखिए बेस हमारा तैयार हो गया है। इसको चार फोल्ड करेंगे और आधा इंच पे निशान लगाते हुए हम इसको गोलाई में काट लेंगे, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल जी 3 इंच साइज के हैं, तो मुझे ये 2 इंच का घेरा तैयार हो जाएगा, यही चाहिए सिर्फ। और एक मैंने साइड कट लगा दिया है। अब ये देखिए बिल्कुल पतली माला आती है, जो पतली फेविक्विक लगाते हुए इसको चिपका लेंगे। और ये फैब्रिक फेविक्विक अलग से आता है। एक्स्ट्रा माला को तोड़ देते हैं गाइज। इसी तरह से ये देखिए फिर से ग्लू लगाएंगे। और ये छोटे छोटे मोती हैं गाइज, इसकी एक माला भी आती है। अगर माला है तो माला लगा सकते हैं, जल्दी लग जाती है। मैंने ये मोती लगाए हैं। अब सेकेंड फिर से हम इस पर लगाएंगे वही वाली तार जो पहले लगाई थी। आराम आराम से गुलाई लेते हुए अच्छी तरह से लड्डू गोपाल की सुंदर सी ड्रेस बनकर तैयार हो जाएगी। ओके गाइज, पहली ड्रेस में शीशे थे, तो अब इसमें मैं ये बीड्स लगा रही हूँ। मोटे मोटे बीड्स हैं वाइट कलर के, तो इनको गैप देते हुए लगाएंगे, क्योंकि इनके चारों तरफ हमें फिर से नग वाली लड़ी लगानी है। तो ये देखिए बराबर का गैप देते हुए और ऊँचे नीचे ना हो जाए ध्यान रखते हुए, ये देखिए चारों तरफ इसके हम नग वाली लड़ी लगा देंगे। ये नग वाली लड़ी मैंने लगा दी सब में। उसके बाद गाइज नीचे की साइड लगाएंगे, क्योंकि जितना बीच में जो जगह बचेगी उसी हिसाब से हम इसमें नग वाले तार वगैरह लगाएंगे। तो सबसे पहले नीचे लगा देते हैं। अगर बीच में लगाते हैं तो फिर ऊंचा नीचा हो जाता है और नीचे वाली ये शीशे लगाने की जगह नहीं बचती अच्छी तरह से। तो ये देखिए नीचे मैं शीशे लगाऊंगी गैप देते हुए, और पेन से निशान लगा लेंगे बराबर बराबर, ताकि आगे पीछे ना लग जाएं। ये देखिए पूरे मैंने एकदम परफेक्ट लगा दिए हैं। अब शीशे के चारों तरफ हम ये जो बारीक वाली तार थी, चेन भी बोलते हैं इसको, ये लगा देंगे। उसके बाद लड़ी लगाएंगे नग वाली, सब शीशों पर मैंने लगा दी है बारीक वाली चेन। और इस पर हम लगाएंगे ये देखिए नग वाली लड़ी है, जो मैंने ऊपर भी लगाई हुई है। इसी ऐसे ही डिजाइन बनाते जाएंगे, सुंदर सा डिजाइन बनकर तैयार हो जाएगा। और कान्हा जी बड़े खुश होंगे इस ड्रेस को पहनकर, क्योंकि बहुत मेहनत से बना रहे हैं हम। मार्केट में ये ड्रेस गाइस 3,000 की आती है, 3 से 3,500 की, और घर पर सिर्फ मेहनत ही लगती है, बाकी ड्रेस बहुत सुंदर बनकर तैयार हो जाती है। इसी तरह से सब शीशों पर हम ये नग वाली लड़ी लगा लेते हैं। ये देखिए गाइस लड़ी लगा लिया, काफ़ी सुंदर ड्रेस लग रही है हमारी। अब ये जो बीच में स्पेस बची है इस पर हम तार लगाएंगे, जो पहले मैंने तार लगाई थी। ये देखिए बारीक वाली तार बिल्कुल साथ में लगाते हुए एक गोल घेरा बना लेंगे। पहले फेविकोल लगाएंगे और उसके बाद ये देखिए लड़ी लगा दी है। एक्स्ट्रा को कट कर देंगे। ये देखिए मेरा बेटा भी साथ में हेल्प करवा रहा है मेरी। और इसके बाद हम लगाएंगे फिर से ग्लू लगाएंगे, और ये जो नग वाली लड़ी थी गाइज, नग वाली लड़ी लगा देंगे। काफ़ी सुंदर लगती है जो नग वाली लड़ी, बहुत चमकती है, तो इसको लगा देंगे। एक्स्ट्रा को कट कर देंगे। उसके बाद फिर से जो छोटी चेन थी पतली वाली, वही लगा देंगे। ये देखिए गाइज 3 चेन लगाने के बाद ये जो वाइट पर्ल हैं ये लगाएंगे, हाफ पर्ल हैं ये, अच्छी तरह से चिपक जाते हैं ग्लू लगाने के बाद। इसको ये देखिए पर लगाने के बाद एक बार फिर से हम लड़ी लगा देंगे।
लड़ी मैंने बारीक वाली लगाई है, आप चाहे तो मोटी वाली भी लगा सकते हैं। ओके गाइज, अब ये देखिए इसके चारों तरफ हम नग वाली चेन लगाएंगे जो मैंने पहले लगाई थी। ये देखिए इस तरह से गुलाई लेते हुए पूरी ड्रेस पर लगा देंगे। ये देखिए गाइज, और पैन की या किसी लकड़ी की सहायता से इसको एक सार करेंगे, थोड़ा गैप देते हुए लगाएंगे, बिल्कुल पास में नहीं लगाएंगे। ये देखिए गाइज पूरे में लग गई है। और ये जो कट लगा हुआ है यहाँ पे मैंने काट दिया था, चैन मैंने गलती से पूरे पे लगा दी थी। ओके गाइज देखिए कितनी अच्छी ड्रेस बनकर तैयार हुई है। अब हम इस पर चोली लगाएंगे। चोली आप चाहें तो अलग से भी बना सकते हैं, बट मेरे कान्हा जी बिल्कुल छोटे से हैं तो मैं चोली अलग से बनाऊंगी। और ये देखिए इसको हम गुलाई देते हुए काटते जाएंगे, एक्स्ट्रा कपड़ा है जो पूरा हटा देंगे, काफ़ी सुंदर लगती है इस तरह शेप देने से। ये देखिए गाइज पूरे पे शेप दे देंगे। और ये देखिए इस पर मैंने जो चोली लगाई है इसी तरह से सेम चोली लगाएंगे। आप पुरानी, आप मतलब जो आपके पास ड्रेस है उसमें से देखकर भी आप लगा सकते हैं। तो ये 2.5 इंच के पट्टे लगे हुए हैं पहले वाली ड्रेस पर, वैसे ही मैं लगाऊंगी। और इसकी चौड़ाई है 1.25 इंच और 2.5 इंच लंबाई है, तो 2.5 2.5 5 और 1 इंच एक्स्ट्रा लेके मैंने 6 इंच लंबा कपड़ा लिया था, तो 3 3 इंच का कपड़ा ले लिया है ताकि सिलाई आने के बाद 2.5 इंच हमारी ये जो चोली है बन जाए। ये देखिए गाइज लगा दिया एक साइड, इसी तरह से दूसरी साइड भी लगा लेंगे। और ये बन गई हमारी कान्हा जी की बहुत ही सुंदर ड्रेस। कान्हा जी पहनकर बहुत खुश होंगे इस जन्माष्टमी पर। आप इसे ज़रूर बनाना गाइज, बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनती है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी